फिल्म की कहानी शुरू होते ही रेलवे स्टेशन पर एक शख्स का तारुफ अपनी बेटी के साथ होता है। वो अपनी छोटी बेटी को डांट रहा था क्योंकि इसकी बेटी इसकी बात सुनने से इनकारी है। वो बाहर एक दोस्त के साथ थी जो अच्छा लड़का नहीं था। वो अपनी मंजिल की तरफ ट्रेन में सवार हो जाते ही आज इस ट्रेन में काफी भीड़ थी। इलाके के लोग एक अजीब वाओ गरीब वायरस पर बहस कर रहे थे। कहा जाता है कि ये वायरस जानवरों के लिए खतरनाक है, खासतौर पर छोटे जानवरों के लिए। हमने यहाँ इस आदमी का नाम दरियाफ्त किया, सिख इसका नाम है, लेकिन सिख के ख्याल में ये वायरस वाली चीज नॉर्मल है, इसलिए वो इसे नजरअंदाज करता है। उसी दौरान एक ट्रेन दूसरे ट्रैक पर आती है। ट्रेन को देखकर ट्रेन का अमला हैरान रह जाता है क्योंकि इन्हें बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं आएगी। ऐलान से पता चला कि ये ट्रेन इमरजेंसी की वजह से आई है। ये इमरजेंसी खास भी है और खुफिया भी। वहां इमरजेंसी के बारे में कोई नहीं जानता, आम लोग इससे मुतासिर नहीं होते। गार्ड सूरत हाल को समझने के लिए ट्रेन में जाते हैं। वो ट्रेन को देखकर डर जाते हैं क्योंकि ट्रेन में खून बहा रहा था और मुसाफिर भी लापता थे। आमतौर पर इस ट्रेन पर हमेशा हुजूम रहता है। मुसाफिरों को इस खाली ट्रेन के बारे में कुछ नहीं मालूम। दूसरी ट्रेन शुरू होती है। सिख अपनी छोटी बेटी को ढूंढ रहा था क्योंकि वो अपनी सीट छोड़ते हुए कहीं और बैठ गई है। सिख अपनी बेटी को देखता है। वो एक फौजी अफसर के साथ बैठी थी और सिख ने अपनी बेटी को इसके साथ जाने को कहा, लेकिन सिख की बेटी इसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है, तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो इसे जानती ही नहीं, जैसे वो इसका बाप नहीं है और बगैर किसी वजह के इसे छेड़ रहा है। गार्ड्स ने सिख को पकड़ लिया। वो इसे डब्बे में बंद कर देते हैं। एक गार्ड ने देखा कि वहां एक आदमी पहले से मौजूद था। चूहे आदमी को खा रहे थे। जैसे ही गार्ड आदमी को छूने की कोशिश करता है, चूहे गार्ड पर हमला करते हैं। ट्रेन में सवार मुसाफिर ट्रेन की छत से अजीब वाओ गरीब आवाजें सुन रहे थे। ये चूहों की आवाजें थी। इनमें से एक आदमी चूहों को भागने के लिए अपनी छड़ी को वेंट पर मारता है। वेंट टूट जाता है जब वो ऐसा करता है। ये 10,000 चूहों की जाहिरी शक्ल को जाहिर करता है। ये आम चूहे नहीं थे बल्कि आम चूहों से तेज थे। वो खतरनाक भी थे जो किसी भी इंसान को मिनटों में खा जाएंगे। खतरनाक चूहे इन मुसाफिरों पर हमला करते हैं। यह मालूम हुआ कि एक आदमी को इस वाकया का पहले से इल्म था। वो जानता था कि ये वाकया पिछली ट्रेन में हुआ था। इससे बचने के लिए वो इस ट्रेन में आता है। जब इसे पता चला कि चूहों ने इस ट्रेन पर हमला कर दिया है तो वो गार्ड्स की मदद से भागता है। सिख को भी अपनी बैटिंग की फिक्र थी। वो डब्बे में बंद था। सिख डब्बे का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आता है। वो फौरी तौर पर अपनी बैटिंग को बचाने के लिए दौड़ता है और तमाम मुसाफिरों को चूहों के बारे में खबरदार करता है कि वो चूहों से आगा रहें, क्योंकि चूहे अभी तक डब्बे तक नहीं पहुंचे थे। चूहे ट्रेन के पिछले डब्बों पर हमला करते हैं। इस डब्बे में मौजूद चूहों के बारे में कोई नहीं जानता। सिख पर कोई यकीन नहीं करता और सिख पर हंसना शुरू कर देता है। वो इसका मजाक उड़ाता है। उसी दौरान वह चूहे हमला कर देते हैं। इसके नतीजे में इनकी हंसी मौत में बदल जाती है। बच जाने वाले वहां से भाग जाते हैं। वो सब ट्रेन के पहले मरहले की तरफ भागते हैं। वो मरहला अभी बच गया था। अब वो आदमी दिखाया गया है जो यहां से भाग रहा था। इसका मतलब है वो आदमी जो पहले ही इन चूहों के बारे में जानता है। वो तमाम फौजी अफसरों के सरबरा थे। वो फौजी अफसरान जो ट्रेन में सवार थे। आर्मी चीफ खुद गर्ज हो जाता है और कहता है कि अगर मैं दूसरे मुसाफिरों को बचाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसकी जान बचाने के लिए इसने ट्रेन के पिछले डब्बों को अलग करने का फैसला किया तो पहला मरहला बच जाएगा। अब ऐसा ही होता है। ट्रेन के पिछले डब्बों को अलग किया गया था। कुछ लोग बचने के लिए ट्रेन की छत पर चले जाते हैं और ट्रेन के पहले मरहले तक पहुंच जाते हैं तो वो इन चूहों से बच जाएंगे। बच जाने वाले लोग देखते हैं कि जिन लोगों पर चूहों ने हमला किया था इन्हें एक अजीब इन्फेक्शन है। ये एक वायरल इन्फेक्शन था। सिख का कहना है कि इस इन्फेक्शन का एक अच्छा इलाज है। वो कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूं और चंद स्टेशन के बाद स्टेशन आएगा। वहां एक अस्पताल है और हम वहां से इस इन्फेक्शन की दवाएं ले सकते हैं। इनमें से कुछ इससे मुत्तफिक हैं जबकि कुछ नहीं। जिंदा बच जाने वाले इस इन्फेक्शन से मुतासिर नहीं होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ट्रेन कहीं रुक जाए। हो सकता है कि चूहों का हमला हो जहां वो रुक जाएंगे। एक आदमी आर्मी लीडर की तरफ बंदूक उठा रहा है। फैसला हुआ कि वो अस्पताल जाएंगे। वहां जाने से पहले मुतासिर अफराद को दूसरे कंपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया गया था। चंद स्टेशन के बाद स्टेशन अस्पताल के मकाम पर पहुंचता है। वो कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं जो अस्पताल जाएंगे, जो लोग वहां से दवाएं लेंगे। सिख को इनके साथ जाना पड़ता है क्योंकि इसे दवा का इल्म है। बहुत दूर जाकर देखते ही पूरा शहर तबाह हो चुका है। हर तरफ लाशें थी। लाशों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक सायादार इलाके में चूहों के एक गोल को देखते हैं। एक चूहा भी सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलता। वो समझते हैं कि वो चूहे सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते। इन्हें इस रास्ते से हट जाना चाहिए जो तारीख था। वो एक ऐसे रास्ते से गुजरा जहां मुसलसल सूरज की रोशनी थी, लेकिन बादल कुछ फासले पर चलते सूरज को ढांप लेते हैं। सूरज की रोशनी की कमी के नतीजे में बहुत से चूहे आते हैं और इन पर हमला करते हैं। वो इन चूहों से बचते हुए किसी तरह अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसी दौरान इनके दो साथी चूहों का शिकार बन जाते हैं। वो एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो वहां अपने खानदान के साथ छुपा हुआ था। इनकी बेटी को भी चूहे ने काट लिया है। सिख आदमी से कहता है कि मेरे पास इसका इलाज है। इनका कहना है कि इसका इलाज अद्वियात के जरिए मुमकिन है।
यही वजह है कि आदमी इन्हें इस जगह ले जाता है जहां दवाइयां थी। सूरज की रोशनी न होने की वजह से बहुत से चूहे वहां पहुंचकर इन पर हमला कर देते हैं। इसका मतलब हजारों से ज्यादा है। अगर वो शोर मचाएंगे तो चूहे हमला करके इन्हें खा जाएंगे। फ्रेंड में कह रहे थे जो लोग दवाई लाने गए थे वो वापस नहीं आएंगे, हमें जल्द अज जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। अब डब्बा दिखाया गया है कि तमाम मुतासिर अफराद को कहां रखा गया था। फिर एक खातून ने पिछले डब्बे का दरवाजा खोला। चूहे आते ही और इन पर हमला करते हैं। सुख को दवा अस्पताल में पहुंचती है और ये एक तरह का तरियक था। सिख दवाइयां एक डब्बे में रखता है लेकिन जब वो चला जाता है तो कमजोर लकड़ी का एक टुकड़ा इसके पांव के नीचे आ जाता है। इसकी वजह से वो वहीं गिरकर लटक जाता है। चूहों की तवज्जो सिख की तरफ मबजूल हो जाती है। अब वो सब वहां से तेजी से भागते हैं। चूहों की एक बड़ी फौज इनका पीछा कर रही थी। इन्हें एक जीप मिलती है और वो वहां से भागते हुए फरार हो जाते हैं। ट्रेन के पास पहुंचकर इन्हें वहां बहुत सी लाशें मिलती हैं। ये वो लोग थे जिन पर चूहे ने हमला किया और खत्म किया। सिख की बेटी ने दरवाजा खोला। सिख अपनी बेटी को जिंदा बचाकर देखकर खुश हो गया। इस दौरान बादल ने फिर सूरज को ढांप लिया। नतीजा वहां रोशनी कम हो जाती है। तमाम चूहे इनकी तरफ बढ़ते हैं। वो ट्रेन सटारट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी पीछे रह जाता है और चूहे इस पर हमला करते हुए इसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद तमाम मुसाफिरों को तरियक दिया गया। वो मुसाफिर जो मुतासिर हुए थे लेकिन इन्हीं ट्रेन को रोकना पड़ा क्योंकि एक और ट्रेन पटरी पर गिर गई थी। तमाम मुसाफिर ट्रेन के डब्बों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आदमी खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। इसने धमाका खेज मवाद अपने जिस्म पर बांध लिया। वो चूहों तक पहुंच जाता है। जैसे ही चूहे इस पर चले गए आदमी ने धमाका खेज मवाद मोड़ दिया। इसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ और बहुत से चूहे वहीं खत्म हो गए। इनका ट्रैक साफ था लेकिन फिर भी एक मसला था। ये वो ट्रैक था जो दूसरी तरफ बदल रहा था। एक गहरी खाई थी। सिख ट्रैक बदलने के लिए लीवर खेचता है। हालत ये है कि सिख को लीवर दबाना पड़ता है। वो भी ऐसा ही करता है और लीवर को दबाता रहता है। इसकी वजह से ट्रेन आगे बढ़ती है और सब बच जाते हैं लेकिन सिख पीछे रह जाता है। वो इस पर चढ़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागता है। ट्रेन की तेज रफ्तारी की वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ सका। इसकी बेटियां इसे देखकर रो रही थीं। वो ट्रेन को रोकने के लिए रोते हुए कह रहे थे। इनके वालिद कहते हैं ट्रेन मत रोको और सिख रुक जाता है। ट्रेन रवाना होती है और हजारों चूहे सिख पर हमला करते हैं। सिख इसकी वजह से मर जाता है। सिख बेटी के दिल में सिर्फ इनके बाप की यादें रह गईं। आखिर में सिख की बेटी अपने वालिद के अल्फाज याद करती है कि आपको बुरे लड़के से दूर रहना चाहिए। इससे मुराद वो शख्स है जिसके साथ वो सफर करती है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि इसे अपने वालिद की याद आती है। यहीं ये फिल्म खत्म होती है।